हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं जो आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सीडीपी के 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें आपके पेपर वन में जो सीडीपी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल 10 शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग अपने ऑनलाइन टेस्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो रिवीजन के तौर पर एक ही वीडियो में हम इनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन तो केवल इन 300 क्वेश्चन से ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो आप सभी को पता है ये नियम आपका विकास की दिशा अधोगामी शीर्षगामी है। यही नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पहला कथन लिखा है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी आप कथन देख सकते हो कि बचपन व अवधि जिसे 10 दिन में अवस्था में बांटा जाता है, गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है, ये भी गलत है। तो यहाँ बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वो परिपक्वता कहलाती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, परिपक्वता कहलाती है। देखिए, परिपक्वता का जो अर्थ होता है वो शरीर के स्वाभाविक विकास से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो आप सभी को पता है कि प्राथमिक कारक में अगर हम बात करते हैं तो परिवार आपके समाजीकरण का प्राथमिक कारक बनेगा। और यहाँ पे अगर परिवार ऑप्शन नंबर ए में पहले लिखा है तो यहाँ पे आपका परिवार हो जाएगा, और द्वितीयक अगर हम बात करते हैं तो वो विद्यालय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है वो दंड और आज्ञा पालन है। इसे याद रखिएगा, यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था है जिसको आप पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था प्री कन्वेंशियल स्टेज के अंतर्गत रखते हैं, और इसकी जो उम्र है वो 4 से 10 साल तक उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे दंड और आज्ञा पालन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जो क्रमबद्धता है किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो वस्तुओं को किसी आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। पहला आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, क्रमबद्धता जीन पियाजे द्वारा दी गई तीसरी अवस्था की विशेषता है, ठीक है। आपको पता होगा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी एज आपकी 7 से 11 वर्ष की है, उसकी मुख्य विशेषता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, कहते हैं 5 वर्षीय सीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यह दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 5 वर्षीय सीमा को क्या लग रहा है कि छोटे से मिट्टी के गोले को उसने बड़ा कर दिया तो वो बड़ी हो गई, मतलब उसका एक ही जगह फोकस है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो केंद्रीयता आप बोलते हो, है ना, केंद्रीयता जिसको बोलते हो, तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक विशेष गुण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तर्क केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं का सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो कि लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो सामाजिक संरचना पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है।
तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच के रूप में क्या किया है उन्होंने, इसको प्राइवेट स्पीच बोला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है। देखिए, जो एक प्रगतिशील कक्षा होगी उसमें ड्रिल और अभ्यास पर जोर देने का काम नहीं होगा, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव भी नहीं होगा, वहाँ पे सहयोगिता पूर्ण अधिगम बिल्कुल होगा, ना ही वहाँ पे पुरस्कार और दंड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं, कहते हैं एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के विकास या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती। तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग अगर दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता बच्चे के अंदर है तो वो इंटरपर्सनल हो जाता है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन प्रस्तावित हो सकता है, कहता है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। देखिए ये बात गलत है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित है कोई व्यक्ति या शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, ये बात सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ए और बी यहाँ पे सही नहीं होंगे। सी नंबर पे आते हैं, कहते हैं बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के जो उच्च कह रहा है कि संज्ञानात्मक लाभ है, ये सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, नहीं ये बात सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। कहता है जेंडर भूमिकाएं हैं। देखिए जेंडर भूमिकाएं जो हैं, अगर हम बात करते हैं तो आपसे एग्जाम में ऑप्शन में सामाजिक भी आता है, इसके अलावा अधिग्रहित व्यवहार भी आता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जो जेंडर की भूमिकाएं हैं वो अधिग्रहित व्यवहार है, ठीक है, जो समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या महिला, लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त प्रदान होती हैं ये सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिग्रहित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, नहीं ये नहीं होगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर पे देखते हैं, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना सही नहीं होता है। फिर कहता है छात्रों को किसी विषय में सफल विफल घोषित करना, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। देखिए अगर बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, तो पहला ऑप्शन यहाँ का नहीं होगा। सेकंड पे कहता है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में, कहता है तो ये भी सही नहीं होगा। तीसरे पे कहता है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। लास्ट वाला सही हो जाएगा, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, एक कथन आपको दिया गया है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कहता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, कथन बिल्कुल सही कह रहा है। तर्क में कहता है शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो देखिए जिस प्रकार से कथन है, तर्क उसकी पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है, पूरी तरीके से तर्क भी सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कहते हैं एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का क्या कर रही है, सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। देखिए उसको लिखने में निरंतर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये डिसग्राफिया हो जाएगा, आलेख वैकल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, कहते हैं विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए,
ये आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड पे कह देते हैं रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना। नहीं, योगात्मक आकलन पर बल देना और रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करना ये सही नहीं होगा। लास्ट में कहता है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करना, पुनः स्मरण पर बल देना, ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? देखिए यहाँ पे अपसारी चिंतन जो होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, वो आपकी सृजनात्मकता का जो होता है, क्रिएटिविटी का सबसे ज्यादा अनिवार्य लक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, खेल के द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, इन सभी के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान की संरचना और अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें सभी के सभी ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करने को सुझाती है, अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? देखिए इस रणनीति को इस बार सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको चंकिंग बोलते हैं, इसको खंडीकरण कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन है परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। देखिए परिवेश में सहभागिता और कौशल द्वारा ज्ञान का अर्जन बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण कह रहा है, विषय वस्तु को रटने की बात कर रहा है, और उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन कह रहा है। तो इन सभी में सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। कहते हैं निम्न में से, यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने में सुसाध्य करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो पुरस्कार देना कहीं ना कहीं सही नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं सही होगा। परामत विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, ये बिल्कुल सही होगा कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सेकेंड में कहते हैं और थर्ड में कहते हैं अरुंधती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर मतलब ये जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं तक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 4 नंबर की अगर बात करते हैं, कहता है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि 2 और 3 जो है केवल ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं? देखिए शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में अगर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल नहीं। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों की बात कर रहा है, मतलब फिक्स्ड आपके तरीके हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। समरूपो एनालिसिस के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? देखिए सार्थक अधिगम को सुसाध्य करने की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा। देखो यहाँ पर रहित शब्द है, ये नहीं सही होगा। एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं। रट्टा मार कर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, तो अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें जो होती है गर्व की भावना उत्पन्न होती है,
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी मतलब मल्टी सेंसरी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि, देखिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कहता है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पना या अल्टरनेटिव जिसे कंसेप्शन कहते हैं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, ठीक है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये बात पूरी तरीके से गलत है। आप वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को पूरी तरीके से हतोत्साहित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हो कि बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। सिंपल सी बात है भाई, स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ये भी बात सही है। यही सारे ऑप्शन आपके बदल बदल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कभी सही पूछा जाएगा कभी सही नहीं पूछा जाएगा, तो इनको गौर से आप देख लीजिए। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां सदैव निराधार होती हैं बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शा। देखो यहाँ पे सही बात कह रहा है, निराधार भाई नहीं होती हैं, उनका आधार होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुस्तकों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है ये व्यवहारवादी जो सिद्धांत, जैसे स्किनर का आपने पढ़ा है, उन्होंने पुरस्कार के बारे में कहा है, पुरस्कार और द्वंद के बारे में। तो अधिगम का जो व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य होता है वो कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अप्रेरित किया जाता है, जबकि मानवतावादी संज्ञानात्मकवाद तथा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 1 जनवरी 2022 के कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जो आपका 3 जनवरी 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके CDP के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब उन्हें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। देखिए समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, ये बात सही नहीं है। बी नंबर में कहता है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सी पे कहते हैं का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है यदि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, तो ये भी आपका क्या है, सही नहीं है। पूर्वानुमान कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त और आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है विकास, तो ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। देखो मध्य से शरीर के सिरों की ओर जब भी बात करें तो वो आपका प्रॉक्सीमोडिस्टल होता है, अधोगामी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बाल्यावस्था का शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये जो अवस्था होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था को अध्ययन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो 2 भागों में हमने बांट रखा है, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था को हमने 206 वर्ष रखा है या उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष रखा है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछा जाएगा तो आप प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं। देखिए ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और गलत क्वेश्चन हो गया था, इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे द्वितीयक संस्थाएं आपसे पूछी हैं। तो मीडिया भी द्वितीयक संस्था है, धार्मिक संस्थाएं भी द्वितीयक संस्था है और विद्यालय भी द्वितीयक संस्था है। तो इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा BCD वाला, तो BCD वाला वैसे मेरे हिसाब मैंने इसको बना के दिया है, BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
लेकिन उसने ये क्वेश्चन गलत दिया था सीटेट में, तो इसका सभी को नंबर मिल गया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पे समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं आपसे पूछी हैं, तो मीडिया, धार्मिक संस्था और विद्यालय, ये सभी आपकी द्वितीयक संस्थाएं हैं, जबकि परिवार आपकी प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी सी डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है रुचि को पेंसिलें दिखाई जाती हैं, 3 पेंसिलें दिखाई गई रुचि को। वह देखती है कि पेंसिल जो का पेंसिल है वो खा से क्या है, बड़ी है, और ये खा वाली पेंसिल जो है वो गा से बड़ी है। तो उसको समझ में आ जाता है कि का वाली पेंसिल गा से बड़ी है। तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो इसको याद रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन इस बार ऑनलाइन में पूछे जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से क्या कर रही है, सकर्मक अनुमान लगा रही है। पूरी तरीके से वो क्या कर रही है, सकर्मक अनुमान लगा रही है, ट्रांजिटिव थॉट है उसकी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है? देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, तीसरी स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष वाली, है ना। तो यहाँ पे प्रतिवर्तन जो होता है, जिसको आप रिवर्सिबिलिटी बोलते हो, ये आपके करने के योग्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए हैं। पहला दिया है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा दिया है परंपरागत स्तर, तीसरा दिया है उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में दिया गया है बी नंबर पे, ये अपारंपरिक चरण, ऐसा कोई चरण उन्होंने नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं। कहता है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बढ़िया होगा, तो इससे नहीं बचना चाहिए। दूसरे में कहते हैं विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का अवलोकन करना, ये भी बढ़िया होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, देखिए ये मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, तो एक टीचर को इससे जरूर बचना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा इसका आंसर। लास्ट में कहता है आवश्यकताओं के अनुसार पाढ़ का प्रयोग, ये भी बेस्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर बचने वाला जो है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। कहते हैं वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत पर निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो अगर हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में सहकर्मी जो सहयोगिता है, अगर हम पीयर आपको पीयर कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या बताया है, इसको सुसाध्य बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा में, ठीक है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसके बारे में शिक्षिका का क्या विश्वास होना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे। पहला है कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, नहीं ये तो सही नहीं हो सकता है। अधिगम केवल कक्षा में होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, ये भी सही नहीं होगा। तो किसी प्रगतवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास होना चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का इस्तेमाल या का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आप सभी को पता है वो आपके हार्वर्ड गार्डनर हैं, हार्वर्ड गार्डनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, यह किसका उदाहरण है? देखिए, आपको पता है ये उदाहरण जो है आपका वो जेंडर स्टीरियोटाइप का है, जेंडर रूढ़वादिता का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक शिक्षक ने एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो आप समझ सकते हो ये एक आपका कैसा मूल्यांकन है, ये आपका एक रचनात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, योगात्मक नहीं है, मानक संदर्भित नहीं है, मानकीकृत नहीं है, ये आपका एक रचनात्मक है, फॉर्मेटिव आपका जो है
है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कहते हैं एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षकों को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के संबंध के अनुसार या विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार इस भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक बहुभाषी कक्षा के बारे में। लास्ट में कहता है कि एक लक्ष्य भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कहता है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, पहला ऑप्शन देता है कि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरे में कहता है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, ये भी सही नहीं होगा। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता, अगर कोई टीचर का पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए अपनी ही पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है तो 100% वो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित रख रही है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ऑप्शन में लिखा है सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, यहाँ पे गुणज वैकल्य की बात करी जा रही है, डिसकैल्कुलिया की बात करी जा रही है। कहते हैं गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन है तो निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, तो ये तो पहले ही उसको प्रॉब्लम आ रही है तो ये सही नहीं होगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता मतलब कुछ ऐप्स उपलब्ध करवाने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है अगर उसको डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि एक दृष्टिबाधता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। देखिए बच्चा दृष्टिबाधित है तो इसके लिए स्पर्शक ग्लोब जो होंगे वो लाभदायक होगा, छोटे अक्षरों वाली जो पुस्तकें होंगी वो लाभदायक नहीं होंगी, जबकि दृष्टिपट पठन सॉफ्टवेयर जो होंगे वो क्या होंगे, स्क्रीन रीडिंग जो सॉफ्टवेयर होंगे वो भी आपके क्या होंगे, लाभदायक होंगे। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें भी लाभदायक होंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें ये हेल्पफुल नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये है, कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। कहते हैं भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कहते हैं प्रस्तुतीकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो तर्क भी सही लिखा हुआ है और इस तर्क ने पूरी तरीके से कथन की व्याख्या करी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। जो सृजनात्मक बालक होगा उसमें अपसारी चिंतन होगा लेकिन अपसारी चिंतन नहीं होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होगी, नवीन आमुक उत्पाद की योग्यता भी होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, 3, 4 ऑप्शन बनना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, फिर से एक कथन दिया गया है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। और तर्क दिया गया है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलताओं को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तर्क ने पूरी तरीके से कथन की व्याख्या करी है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम आधारित करने को कहती है। कहते हैं इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, तो देखो सबसे पहले उसने क्या क्या एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले वो इसको एग्जाम्पल दे रही है, उसके बाद उस पर नियम बता रही है, तो ये आप सभी को पता है ये इंडक्टिव हो जाएगा, ये आगनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए।
स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए गलत बात है। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करनी चाहिए, ये भी बात सही नहीं है। मापदंडों का पालन ना करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। तो लास्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता लेनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, वह विकल्प चुनो जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो खेल कूद में बच्चों का अधिगम हो पाता है, घर में भी हो पाता है, कक्षा कक्ष में भी हो पाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास में प्रभावशाली नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मुद्दों पर चर्चा को शुद्ध करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल प्रभावशाली हो जाएगी। फिर कहता है समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही हो जाएगी। सी नंबर में कहता है कि समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी सही हो जाएगा। लास्ट में कहता है कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, तो ये आपके समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए प्रभावशाली नहीं होगी। तो इसका नहीं वाला बताना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। देखिए संरचनावादी कक्षे के अभिलक्षण के बारे में बात करते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, गलत बात है, निष्क्रिय कैसे हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, ये भी गलत है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी सही नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा कि कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे संरचनावादी कक्षा के बारे में करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। यहाँ पे अवरोधक की बात कर रहा है, कहते हैं त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, ये तो अवरोधक नहीं है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये बात गलत है, इसलिए ये अवरोधक हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बाकी भी आप ऑप्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं कि त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ के अंतरालों में जानकारी देती है, ये सही है, ये आपके अवरोधक नहीं है। लास्ट में कहला है अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौके मिलने चाहिए, तो ये भी यहाँ पे एक आपका अवरोधक नहीं है। तो अवरोधक यहाँ पे केवल ऑप्शन बी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक एग्जाम्पल है। अपने अधिगम को दिन करने के लिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए, दिन ना लिख करके यहाँ पे दृढ़ कर लीजिए। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, तो ये क्या देखो, ये एक आंतरिक प्रेरणा है। नगद इनाम पाने हैं तो रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, तो ये आपकी बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। साफ साफ यहाँ पे नगद इनाम पाने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो देखो यहाँ पे आपका संज्ञान और संवेग को जोड़ा जाता है, और संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब आपके संवेग प्रभावित होते हैं तो आपका संज्ञान भी प्रभावित होता है, यही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि अधिगम अधिक सार्थक नहीं है, सटीक यहाँ पे लिख लेना, सॉरी सार्थक लिख लेना, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर। तो देखिए अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली तब होता है जब वह मुख्यतः स्व केंद्रित हो, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है वो आपका प्रभावशाली होता है। तो ये 3 जनवरी 2022 के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए 4 जनवरी 2022 के क्वेश्चन करेंगे। 4 जनवरी 2022 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इस ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है उसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज किया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन लिखा है कि एक पैर पर संतुलन करना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। तो 100% आपका विकासात्मक परिवर्तन जो है आनुवांशिकता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक अनूठा संयोजन है।
तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है इसको शैशवावस्था नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करते हैं, कथन आपको दिया गया है, कहता है शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं, सही बात है। तर्क में बात करता है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभ्यास बनता जाए। यहाँ पे देखो मीडिया को महत्वपूर्ण बताया है और यहाँ पे मीडिया को बोला है कि समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जो बात कथन में कह रहा है उसी वही बात तर्क में उसको वो साबित कर रहा है, मतलब कथन भी सही है, तर्क भी सही है, उसकी व्याख्या भी तर्क अच्छे से कर रहा है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए शिक्षक की गतिशीलता अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी मोबिलिटी होती है टीचर की वो भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। विविध सामग्रियों का जो प्रावधान होगा वो भी सही होगा। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वरण सुनिश्चित करना, ये पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं है, स्किनर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं इरादे होते हैं? तो ये सिंपल सा आपको पहली अवस्था होती है जो आपको पता है, ये आपकी संवेदी चालक अवस्था जो इसमें ऑप्शन नंबर में दिया गया, ये तो यहाँ पे जीववाद वाला तो होता नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। बी नंबर में जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसमें ही बच्चे जो होते हैं, बच्चों के अंदर ऐसा दृष्टिकोण होता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर बात करते हैं, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो अगर हम बात करते हैं कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वो लेव वाइगोत्स्की हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो साथियों से बातचीत करके सीखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ बनेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में नहीं देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण के सक्रिय रूप में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है आपको कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की बात करते हैं तो कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, तो ये तो इसका मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो सही नहीं होगा। फिर बी नंबर पे कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, मतलब दूसरों के साथ भला नहीं, यहाँ पे भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, तो ये अच्छा लड़की या अच्छा लड़का आपका जो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग है ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों को विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, तो आप सभी को पता है अगर यहाँ पे बात करी जा रही है वनस्पतियों जीवों के बारे में तो ये आपका प्रकृतिवादी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका, नेचुरलिस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, किसका उदाहरण है? तो ये सिंपल सा राइट आंसर आपका जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, मतलब आपका जेंडर बायस का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने एक कथन दिया गया, एक तर्क दिया गया, कहते हैं शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो यह बात बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रकृति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, ये भी बात सही है। यहाँ पे उसने साफ साफ देखो बोला है कि विभिन्न प्रकार के आकलन की तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे उसने क्लियर भी कर दिया है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम
नहीं है तो कथन भी सही है, तर्क भी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। मतलब आपका ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कैसे पहुंचे, तो ये तो सीखने के मतलब आकलन को दर्शाएगी। बी नंबर पे कहता है कि शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी सही बात है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये आपके आकलन, ये स्थिति जो है सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। देखिए समावेशी शिक्षा के लिए फ्लेक्सिबल आपकी पेडागॉजी जरूरी है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बनेगा लचीला शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है, तो आपके जो सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है वो आपकी ऑटिज्म है, जिसको आप स्वलीनता बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षा शास्त्रियों को शामिल करने में मदद करता है। देखिए सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षा शास्त्रियों को विविधता को महत्व, अगर विविधता को महत्व दिया जा रहा है तो कन्फर्म है वो सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को मतलब स्टूडेंट्स को शामिल करने में मदद करेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतीकरण या सामग्री का कई तरीके से प्रस्तुतीकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में सहायता मिलेगी, तो भाई श्रवणबाधित छात्रों के समावेशन में भी सहायता मिलेगी, दृष्टिबाधित छात्रों के समावेशन में भी सहायता मिलेगी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों के अधिगम में भी सहायता मिलेगी और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों में भी मिलेगी, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सहयोग है। देखिए गुणज वैकल्य है जिसे उसको अगर आप कैलकुलेटर का प्रावधान कराते हो, यहाँ पे रणनीति का सही संयोजन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे यही आपका ऑप्शन ए बन गया। पठन वैकल्य में कहता है लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, ये सही नहीं होगा। श्रवण हानि में कहता है ऑडियो टेप देना, ये भी सही नहीं होगा। दृश्य हानि में कहता है चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये भी सही नहीं होगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है, तो अगर प्रारंभिक कक्षाओं की बात करी जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे अच्छा जो आपका बेहतर दृष्टिकोण है वो है करके सीखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, एक कथन दिया गया, एक तर्क दिया गया। कथन दिया गया है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। तर्क में कहता है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया, ये भी बात सही है, इसकी व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है ए की, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को पहला ऑप्शन है उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, सही नहीं होगा। उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे स्पष्ट निर्देश देना इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ये टाइपिंग में गलती हो गई है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछा गया था वहाँ स्पष्ट ना होकर के अस्पष्ट था, तो इसको अस्पष्ट कर लीजिएगा। कहते हैं उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी सही नहीं होगा, तो इसका लास्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यहाँ अगर स्पष्ट होगा तो यहाँ पे स्पष्ट था नहीं, यहाँ पे अस्पष्ट कर लेना, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। देखिए नहीं देने की बात कर रहा है, पहला ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार पाठचर्या का अनुकूलन, ये तो बिल्कुल सहायता देगी। फिर कहता है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही है। पाठचर्या निवाचन में नवाचार, ये सारी के सारी सकारात्मक योगदान देंगी, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, एक कथन दिया गया है और उसमें तर्क दिया गया है। कथन कहता है एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, तो कथन तो सही है। फिर तर्क कहता है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण
बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण को लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए केवल लिखा है महत्वपूर्ण को लेकर आते हैं, नहीं, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे अनुभव लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण अनुभव को लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कथन भी करेक्ट है, तर्क भी सही है, और यहाँ पे तर्क जो है पूरी तरीके से कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उसकी समझ की जांच करने में मदद करेगा, वी स्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर मेटाकॉग्निटिव अधिसंज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, बच्चों में भ्रांतियां डैश होना है, तो बच्चों में जो भ्रांतियां हैं वो होना प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, जब वो असहायता महसूस कर रहा है तो वो उत्साह नहीं दिखा सकता है। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, बिल्कुल नहीं देगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्षण पर ध्यान देगा या शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। भाई जब वो असहायता फील कर रहा है इसका मतलब वो शैक्षिक गतिविधियों से क्या करेगा, अलगाव रखेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एक एग्जाम्पल है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। देखो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना एक आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल बिल्कुल हो जाएगा, तो ये सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना, ये भी बाह्य हो जाएगी। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ये भी बाह्य हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 4 जनवरी का, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण या विद्यालय। तो देखो अधिगम को प्रभावित करने वाला यहाँ पे अगर रवैया की बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, व्यक्तिगत लक्षण की बात करते हैं, तो ये पर्यावरणीय कारक क्या है, पर्यावरणीय कारक नहीं है। यहाँ पे जो पर्यावरणीय कारक पूछा गया है वो ऑप्शन नंबर डी है, विद्यालय जो है एक पर्यावरणीय कारक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 जनवरी के 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। चलिए बोलूँ 5 जनवरी 2022 के 30 क्वेश्चन पहले करेंगे। पहला कथन दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, गलत बात। तो कुल मिला के ए और बी ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, इसमें ए और आर दोनों सही बोले गए। फिर कहता है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ये भी बात गलत है, क्योंकि केवल वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ए सही लिखा, ये भी सही नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है, मतलब आपसे सूक्ष्म कौशल की बात कर रहा है, फाइन मोटर स्किल की बात कर रहा है, तो छोटी मांसपेशियों को यहाँ पे स्क्रिबलिंग घसीट कर लिखना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, तो अभी ये नकल करना ही शुरू कर रहा है तो ये तो नहीं हो सकता है मध्य बाल्यावस्था में। बी में कहते हैं एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, तर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया है, तो बी सही हो सकता है। सी में कहता है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, तो ये सही नहीं होगा। एक बच्चा जो अभी स्कूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है ये भी सही नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं, या समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक भूमिका की ओर प्रकाश डालता है। देखो यहाँ पे मीडिया हो जाएगा और द्वितीयक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, अमूर्त सोच की क्षमता नहीं आएगी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता बिल्कुल आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर बी बनेगा, दूसरे के नजरिया लेने की क्षमता नहीं आएगी, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता नहीं आएगी, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और होना बहुत जरूरी है, तो गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है, मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, राइट आंसर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेओ वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है ये पहला बोला गया है, बाकी और देख लेते हैं।
संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। देखो संज्ञानात्मक विकास क्या करता है कि भाषा के विकास को निर्देशित करता नहीं, लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, लेव वाइगोत्स्की के विचार से रिलेटेड ये है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, तो सांस्कृतिक उपकरण ये सुगम बनाएंगे, सामाजिक संपर्क भी सुगम बनाएंगे, संतुलन पुरस्कार ये सुगम नहीं बनाएंगे, ये संतुलन और पुरस्कार ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो होना चाहिए वो उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग के द्वारा नहीं होना चाहिए, पुरस्कार और दंड पर निर्भर नहीं होना चाहिए, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित बिल्कुल होना चाहिए, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की बात करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और उनके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित, देखो डर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है, तो आप सभी को पता है ये भाषाई बुद्धि की विशेषता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना ये प्रभावी हो सकती है, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें ये भी प्रभावी हो सकती है, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, अगर आप विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं, कहते हैं विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, फिर लास्ट में कहता है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। देखो व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, यहाँ पे उसने पूछा है जो व्यक्तिगत मतभेद हैं, व्यक्तिगत मतभेद, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं, मतलब इससे क्या होगा व्यक्तिगत मतभेद पूरे नहीं होंगे, तो यहाँ पे देखो राइट आंसर आपका क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। देखिए अगर कमियों को पहचानने लगेंगे, कमियों को पहचानना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है, तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी प्रभावी नहीं है, बच्चों में कमियों को पहचान कर उन्हें ठीक करना या रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि शिक्षक छात्रों में कमियों की पहचान तो कर सकेगा परंतु उन्हें स्वयं ठीक ना करके बच्चों को ठीक करने के लिए कहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है, तो ये आपका जेंडर रूढ़वादिता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, गलत बात है, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, ये कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण को करें नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें नहीं, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रियाओं में आकलन को शामिल करना चाहिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, कहते हैं किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है, पहला ऑप्शन है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, नहीं यहां से समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा, फिर कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो डायरेक्ट बोल देगा 180, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये भी इतना हेल्पफुल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बीज के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करें, इसमें बच्चे की समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसके जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है,
तो देखिए जो समावेशी व्यवस्था होती है, इसमें जो स्कूल होते हैं वो बच्चों की अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यथोचित संयोजन करते हैं। तो स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करता है। तो कन्फर्म है वो पठन वैकल्य की बात कर रहा है, डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया था, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। सभी छात्रों को क्या करना चाहिए, अपनेपन की भावना का बढ़ावा देना चाहिए। तो यही सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करनी चाहिए। फिर से देखिए, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। पहला है सामग्री का प्रस्तुतीकरण, दूसरा कह रहा है संचार और अभिव्यक्ति, तीसरा कह रहा है सूचना के दृष्टिकोण, और चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़बद्धता। तो भाई शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़बद्धता के लिए जो विकल्प है वो उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। कहते हैं उपयुक्त इमारती ढांचा, तो इसके लिए तो बढ़ावा दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऐसा नहीं कि बच्चों के जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल एक अलग सी निश्चित शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, नहीं। तो इसके लिए बढ़ावा नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो बच्चे पढ़कर सुनकर देखकर क्रिया करके सीखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, एक कथन दिया गया है। कहते हैं यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो ये आपका कथन दिया गया है ए। दूसरा कथन आपसे पूछा है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना और कैसे। तो कथन तो बिल्कुल सही है, तर्क भी सही है, तर्क कथन की पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो कैसे हों, जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे, निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी चिंतन, मात्र रटन। तो ये अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो सीखना जो है एक सामाजिक गतिविधि हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं, एक कथन आपको दिया गया, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कथन तो बिल्कुल सही है, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं, ये भी सही है। तो मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, फिर से यहाँ पे 26 वाला ही हो गया, 27 की बात करते हैं, छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, छात्रों के बीच भ्रांतियों को निर्मित करना चाहिए, पहचानना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए या प्रचारित करना चाहिए। तो आप सभी को यहाँ पे पता है कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, नहीं, अधिगम के लिए हानिकारक है। बिल्कुल अधिगम के लिए कैसा है, हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो जो योग्यता की चाह होगी, योग्यता की जो चाह होगी अगर हम बात करते हैं उसको, तो ये आपका क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके 5 जनवरी का ये रहा, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। तो 5 जनवरी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब हम करेंगे 6 जनवरी 2022 के 30 क्वेश्चन। चलिए हम बात करेंगे 6 जनवरी 2022 के प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है विकास, बच्चे के विकास का क्रम। देखिए बच्चे के जो विकास का क्रम, 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
मूर्त अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है तो ये तो सही नहीं है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये सही है आपका। पैरों से सिरों की ओर होता है, नहीं ये गलत है। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, ये भी सब उल्टा दिया गया। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, कथन दिया गया, एक तर्क दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कथन में कह रहा है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। तो अगर बात करी जाए तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। कहता है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता होती, तर्क भी सही है और उसकी व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, वह बच्चा पहला अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजें पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है, यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो आप सभी को पता है ये आधार से सिरों की, केंद्र से सिरों की ओर वाला है, जिसको आप प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हो, समीप दूराभिमुख बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे, फिर से एक कथन दिया गया है। कहते हैं बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और नीतियां केवल अभिभावक से ही सीखते हैं, ये बात सही नहीं है। केवल अभिभावकों के से नहीं सीखते हैं तो ये सही नहीं है, मतलब कथन सही नहीं है। जब कथन सही नहीं है तो ए बी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, और ए वाला सही नहीं है इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। सिंपल सा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि तर्क में कह रहा है बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया, ये भी सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह समझ नहीं पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिलाकर वो संवेदी से आगे है और मूर्त से पीछे है, मतलब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है जटिल पदानुक्रमित संबंधों को, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। अमूर्त, ये भी सही नहीं होगा। परिकल्पनात्मक सोच, ये भी सही नहीं होगा। तो सिंपल सा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है, सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, ये आपके वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग का बेस्ट एग्जांपल है, तो राइट आंसर बी बनेगा। एट नंबर पे ध्यान देते हैं, ले वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, तो यहाँ पे जो अवशोषण लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं सही है। सीखना इनाम के, तो ये वाली बात तो पहले ही गलत हो गई। ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से, ये भी गलत हो गया। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में, देखो बात यहाँ पे वाइगोस्की को हो रहा है, तो यहाँ पे शब्द क्या लिखा है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, तो ये पूरी तरीके से फिर अब गलत हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। कुल मिला के जेड पी डी की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नाइन पे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो जब कानून के खिलाफ जाने लगते हैं और समाज को सबसे ऊपर रखते हैं तो इसका मतलब वो सबसे लास्ट स्टेज में जा चुके हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑरियंटेशन हो गया। इसका राइट आंसर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो यहाँ पे देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, राइट आंसर इसका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि बुद्धिमत्ता को परिपोषित विकसित नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पर पैमाना है, क्या उपलब्धि बुद्धिमत्ता का कह रहा है कि सफल पैमाना है, तो यहाँ पे सफल पर नहीं, सफल पैमाना है, तो ये भी सही नहीं है। दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक खास वर्ग, पूरा सेंटेंस लिखा नहीं है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते, ये भी सही नहीं है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वो हार्वर्ड गॉर्डन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, संस्कृत भाषा को या मातृभाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, तो मातृभाषा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं, तो ये आपकी जो विशेषताएं होंगी व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की नहीं होंगी, ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की होंगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, मानकीकृत व एक समान तो बिल्कुल नहीं होगा, पूरी तरीके से कक्षाओं पर केंद्रित भी नहीं होगा, पूरी तरीके से पाठ पुस्तकों पर भी केंद्रित नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संलग्न एवं संदर्भित, ठीक है, संलग्न एवं संदर्भित हो जाएगा, इंगेजिंग और आपका कॉन्सेप्चुअल जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं है, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना नहीं है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ये सही हो जाएगा, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना गलत है, तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समावेशन का क्या अर्थ है, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निर्मित होकर अपनाना, तो देखो कितनी बढ़िया बात बोली है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निर्मित होकर पहचानना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको होना चाहिए पहचान से निरपेक्ष होकर पहचानना, क्या होना, निरपेक्ष होकर पहचानना, तो यहाँ पे निरपेक्ष शब्द कर लीजिएगा, निर्मित शब्द नहीं है, तब इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, पहला ऑप्शन है किससे बचना चाहिए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कहता है कि हर विद्यार्थी को पहचानने और उनका सम्मान करें, तो ये तो सही है बिल्कुल, इससे तो नहीं बचना चाहिए, फिर कहता है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, तो प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, देखो यहाँ पे स्पेशल की बात करने लगा आपका, है ना, क्या कह रहा है कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो इससे बचना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। सी में देखो क्या है कि शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, सही बात है, इससे नहीं बचना चाहिए, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, इससे भी बचना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जो डिसलेक्सिया है वो आप सभी को पता है मुख्य रूप से पढ़ने की कठिनाई से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे गलत बात है, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, देखिए जो बच्चे विफल हैं तो उसका विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को अगर आप मानने लगेंगे तो ये गलत बात होगी, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें ये भी सही नहीं होगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, ये यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, राइट आंसर हो जाएगा, अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, नई बात, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, नहीं, ये मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, यहाँ पे ये नहीं होगा, में होगा, में मूल, हाँ में ही है, में मूल बातों की सहज और समझ का अभाव होता है, ये भी बात सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 की बात करेंगे, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, हाल ही में उसने कुछ सीखा है और उसकी मदद करने से आप किससे बचेंगे, पहला है विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, इससे तो नहीं बचना चाहिए, संप्रत्यय के उदाहरण गैर उदाहरण बनाना, इससे भी नहीं बचना चाहिए, कहता है अधिकृत जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, इससे भी नहीं बचना चाहिए, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहना है, तो इससे बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं,
किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। सामाजिक संदर्भ से जो जुड़ा होगा पाठ्यक्रम उसे लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृत का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। तो बच्चों के विचारों अनुभवों को जगह देना सबसे बेस्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। पहला ऑप्शन, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए कहे, नहीं इससे तो नहीं बचना चाहिए। कहता है कि अगला ऑप्शन दिया गया है उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, इससे भी नहीं बचना चाहिए। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, इससे जरूर बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चौथे में कहा है, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, इससे भी नहीं बचना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, कहते हैं विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात का विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास हो रहा है। तो ऐसा करने से विद्यार्थी के अधिसंज्ञान का विकास हो रहा है, मेटा कॉग्निशन का विकास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो 26 का राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। देखिए लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को अगर आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है तो उसको याद रखिएगा, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, कलन विधि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। विद्यार्थियों के बीच की भ्रांतियां अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया को बतलाती हैं, नहीं उच्च क्रम की भावात्मक और बौद्धिक क्षमता को बताती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उच्च क्रम की बोल दिया गया है तो भावात्मक भी बोल दिया, तो इसको कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ को बताती, ये सही हो जाएगा। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां तंत्रिका संबंधी विकार को बताती, नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तब ये गर्व का कारण बन सकती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का एग्जांपल है। तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे शिक्षक द्वारा दंड की बात करी जा रही है, यहाँ पे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान की बात करी जा रही है, ये सब बाय एग्जांपल है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6 जनवरी 2022 के 30 क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे 7 जनवरी 2022 के 30 क्वेश्चन। चलिए 7 जनवरी 2022 का पहला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। देखिए ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है। देखो तर्क भी सही है, कथन भी सही है, तर्क सही व्याख्या करता है कथन की, तो ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आनुवांशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो अगर यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं तो सभी पे डिपेंड करता है विकास, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो ये आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड होती है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था जो है वो कौन सी है। तो परिवार यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण की संस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो आप समझ सकते हो कि वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रख रही है, उसके अंदर रिवर्स करने वाली थिंकिंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो ये सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 की बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है।
तो ये एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर ये रहा कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए। जैसे ही विवेक के स्वचुने हुए, बहुत क्वेश्चन आपका घूम घूम के पूछा जाता है, जैसे ही विवेक के सह चुने हुए की बात करते हैं, आप समझ जाओ कि ये आपकी लास्ट स्टेज में है, लास्ट चरण में है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसा भावना की बात करते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, अंतरवैयक्तिक की बात कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो देखिए जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शन आप देख लो वो सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए एक अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी संसाधन दिए जाते हैं, अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है। सिंपल सी बात है, आपका जेंडर पक्षपात कहलाएगी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जेंडर बायस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एक शिक्षिका को अपने बच्चों को आपसे बात करने को क्या प्रतिक्रिया, मतलब खुद से बात कर रहे हैं तो वाइगोत्स्की वाली बात हो गई, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे वह स्वनियमन सुसाधित करता है। ये बात बिल्कुल सही है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक का जिम्मेदारी खत्म हो जाती, नहीं तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है आपसे पूछा है कौन सा, तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। देखिए विद्यार्थियों से केवल प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है, तो यहाँ पे सहायक आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, अनम्य पाठ्यक्रम की बात करा, अनम्य स्कूल कैलेंडर की बात करा नहीं, यहाँ पे सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा के शास्त्र की बात करा नहीं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास समावेशी शिक्षा के लिए सहायक है, तो राइट आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है, ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, ये आपकी डिस्प्रेक्सिया का रीजन है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, देखिए जिनको दृष्टिबाधा है आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल था राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए, ये देखिए आपको कल ही मैंने ईवीएस पढ़ाते हुए बताया था, तो वहाँ पे देखिए किससे बचना चाहिए, उन्हें दैनिक जीवन और परिवेश का उदाहरण में शामिल करना चाहिए, सही है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व सम्मान देना चाहिए, ये भी करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में उनकी संस्कृत में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए, ये इससे भी नहीं बचना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए, उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उसके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है उनको इससे बचना चाहिए, तो राइट आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थी के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान दें, ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार लंबी लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, देखो अगर उसको ADHD है तो इसको आप लंबी लंबी अवधि की फिल्में नहीं दिखा सकते, तो ये सही नहीं होगा, सोलीनता है तो जितना हो सके एक ही समय सारणी और दिनचर्या की लिपि रखें, ये सही हो जाएगा, कहते हैं डिसकैलकुलिया है तो जटिल गणना कैसे दोगे आप, वो तो पहले ही प्रॉब्लम है उसको, वाक्बाधिता की अगर बात करते हैं तो मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को, ये भी सही नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वलीनता वाला जो है जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे ये आपके सही नहीं हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विद्यार्थी निम्न में से
किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं? तो जो विद्यार्थी होते हैं, जो उनके द्वारा पहले से ही समझाया माना जा सकता है, उसको ज्ञान के निर्माण का, नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहते हैं संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। देखिए सीखने के सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किए जाते हैं, ये बात सही नहीं है। तीसरा देखो, कह रहा है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृत से बहुत ही समझ लेकर आते हैं, सही बात है। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, तो उनका अधिगम सुदृढ़ पर इसको, ये भी सही बात। तो यहाँ पे बी नंबर वाला कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करेंगे, तो ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम जो होगा वो बिल्कुल विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता है, तो सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, गलत बात है। केवल विषय वस्तु रटने पर निर्भर करते, गलत बात है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते, गलत बात। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहते हैं अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत कथन है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने पर व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, गलत बात है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, ये भी गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अधिगम और सूचना सम या प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? देखिए अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और संवेग का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कहता है अधिगम और सूचना संप्रेषण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 का है, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो अगर हम बात करते हैं, तो ये महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, यहाँ पे मास्टरी गोल्स को क्या करना है, फॉलो कर रही है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा साथ तो मूल्यांकन नहीं है, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 जनवरी 2020 के ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे 8 जनवरी 2020 के 30 क्वेश्चन। चलिए 8 जनवरी 2022 का पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन। कहता है विकासात्मक परिवर्तन जो है वो सभी संस्कृतियों में बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मध्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर रुक जाते हैं, ये भी गलत बात है। हमेशा एक रैखिक होते हैं, ये भी सही नहीं है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण आपको पहले बताना है, फिर आपको सूक्ष्म गत्यात्मक बताना है। देखो यहाँ पे भागना और चित्र बनाने की अगर बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन अगर हम देखते हैं, तो भागना आपका स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा और चित्र बनाना आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब ग्रॉस मीटर और फाइन मोटर स्किल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इनमें से कौन सी बच्ची मध्यकालीन अवस्था में होगी? पहला है कि एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया, ये नहीं हो सकती है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों, ये भी नहीं हो सकती। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ए बी सी नहीं हो सकता, डी इसका राइट आंसर बनेगा। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, एक तर्क दिया गया है। कहते हैं बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार से में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते, तो कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला कथन आपका, ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। फिर कहता है परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अवकारक है, तो यहाँ पे देखो परिवार प्राथमिक होता है। कुल मिला के आर सही नहीं है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही की बात कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपके नहीं सही हो सकते। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी कि ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही मिलान है? पहला है कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क लागू करता है, तो ये सही मिलान नहीं है क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा तर्क लागू नहीं कर सकता है। फिर दूसरे में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निगमात्मक और तार्किक सोच पर प्रारंभ हो जाती है, तो ये भी इसका बिल्कुल आंसर सही नहीं है।
सिक्स में कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और डी में कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा अनुकरण करने की शुरुआत करता है, ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं एवं पर्यावरण के बीच संतुलन, अब देखो यहाँ पे संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको पता है वो साम्यीकरण कहलाती है, इक्विलिब्रेशन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चे के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, तो यही कथन बिल्कुल सही लग रहा है और यही कथन बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे को जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है, तो यहाँ पे वो क्या करती है, वो पाड़ हेल्प करती है उसकी, स्कैफोल्डिंग का वर्क करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, कथन आपको दिया गया है कि बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संचरण पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, तो पहला ही गलत है, तो जब पहला गलत है ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, तो सिंपल सा राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है, ये बात भी यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर बनेगा ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कक्षा क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर टेन की, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशाली कक्षा की विशेषता है, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों में भागीदारी न्यूनतम होती है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यह समय सारणी को देखो, समय सारणी बैठने की व्यवस्था तय नहीं होती है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ये एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, तो राइट आंसर इसका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज के जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक। देखो यहाँ पे समाज को हेल्प सही मानना है, लेकिन कह रहा है जो भी हम लोग करें, कानून को उसने माना है, लेकिन जो भी करें आपसी सहमत से करें, तो यहाँ पे अच्छा लड़का लड़की सार्वभौमिक तो नहीं होगा, यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन विन्यास हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्ति अपनी पहचान की बात कर रहा है, दूसरे की बात नहीं कर रहा है, अब अपनी पहचान कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रा पर्सनल, मतलब अंतः वैयक्तिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, 13 आपके सामने ये रहा, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली या मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य आपका जेंडर रूढ़वादिता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, मानकीकृत और कठोर पाठचर्या का पालन नहीं, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना भी नहीं होगा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। देखो विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना ये सबसे बेस्ट है, यहाँ पे ना देखना कह दिया इसलिए ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग कर रहा है, देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्देश की बात कर रहा है तो ये भी सही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक नहीं है, सही नहीं है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूह, गलत बात है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, ये बात कहीं ना कहीं सही है, विशेष विद्यार्थियों के केवल एक व्यावसायिक शिक्षा, गलत बात है, विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़वादी बनाना, गलत, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है, मतलब डिस्लेक्सिया की पहचान है, बी को डी के रूप में पढ़ना तथा 21 को 12 पढ़ना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस चुनौती से की जा सकती है, देखिए जिन बच्चों को स्वलीनता है वो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में उनको चुनौती होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना या दूसरे की बातों को समझना उनमें बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है, तो राइट आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, तो जिनको दिव्यांगता है उनके लिए सुलभ और संरचनात्मक इमारतें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, पहला ऑप्शन दिया गया है, आसपास के खतरों और विकर्षणों को, क्वेश्चन फिर से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायता हो? देखिए, उनके आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ये अभ्यास जो होगा विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा बाकी सारे ऑप्शन की तुलना में, तो राइट आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी से सीखते हैं? तो वो आपका एक कौन सा होगा, वो आपका सामाजिक संरचनावादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान के ज्यों त्यों को उत्पन्न करता नहीं, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता नहीं, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। यहाँ भी देखो नियंत्रित करने की बात कर दी, कहते हैं में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होता है, उसको बोलते हैं सार्थक अधिगम, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो संरचनात्मक समझ पर जोर की वकालत की गई है, योगात्मक मूल्यांकन की जो है अगर हम बात करते हैं तो इसका नहीं किया गया है, पाठ्यक्रम में वृद्धि की भी नहीं की गई है, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, तो प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी क्यों कराएगा भाई? देखो कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई, तो इसकी भी नहीं की गई है, तो कुल मिलाकर 2, 3, 4 की वकालत नहीं की गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? कहते हैं किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, तो ये महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे कह रहा है, अगर आप किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता के सुधार के लिए कार्यपत्रक काम करते हो तो वो महारत हासिल करने की दिशा में एक उन्मुख लक्ष्य होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, ये रहा विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस ओर ध्यान देना चाहिए? तो परीक्षाओं के प्रति भय नहीं पैदा करना चाहिए, रटकर याद करने पर बल नहीं देना चाहिए, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ने का पर ध्यान देना चाहिए, तो राइट आंसर इसका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो अगर हम बात करते हैं रटने और याद रखने की बहुत सामग्री विषय वस्तु देना गलत है, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो ये भी गलत है, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर होने के प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे अनदेखा करने की बात कर रहा तो गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? तो अगर हम बात करते हैं तो चर्चा और संवाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा, कहते हैं प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए, क्षमता को स्थायी मानने की धारणा को नहीं, क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा को क्या करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा, यहाँ पे कर लीजिएगा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो दंड से बचने के लिए बिल्कुल ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद शामिल भी होना ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, नहीं वाला आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 8 जनवरी 2022 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, के इस्तेमाल से विद्यार्थी को उपलब्धि होने की संभावना है? देखिए सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये 8 जनवरी 2022 के क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग करेंगे 10 जनवरी 2022 के, क्योंकि 9 जनवरी को आपका पेपर नहीं हुआ था। चलिए 10 जनवरी 2022 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, कहते हैं विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित तो सही कथन है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित, ये गलत कथन है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? तो भाषा अर्जन के संबंध में प्रारंभिक बाल्यावस्था बहुत ज्यादा क्या है, चरण संवेदनशील है, तो राइट आंसर बी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, डैश समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो परिवार तो प्राथमिक हो जाएगा, आपका परिवार यहाँ भी प्राथमिक हो जाएगा, और अगर यहाँ पे अभिभावक की बात करते हैं ये भी प्राथमिक बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो ये मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या कर पाते हैं, संरक्षण कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। बच्चा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में है तो उसको अमूर्तता वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से बात करते हैं, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो मूर्त संक्रियात्मकता वाली सी नंबर कहाँ चला गया? पहला ऑप्शन दिया गया है कि वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, ठीक है, वर्गीकरण के क्या मौके देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए। ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता, तो बी वाला नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, सी वाला भी सही है, डी वाला भी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से सही है, बी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कहता है कि 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो ये बातचीत उनकी होती है या उनके अपनी सोच को नियमित करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? तो लेव वाइगोत्स्की ने जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर कोई व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? तो आज्ञा पालन तो नहीं हो सकता है, सार्वभौमिक नहीं हो सकता है, अच्छा लड़का लड़की नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 8 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? तो जब भी आपसे तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करने की बात करते हैं तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखो कि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता, यही आपको जो है तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है वो अंतःक्रिया व संवाद वाला होता है, संवाद द्वारा होता है, तो राइट आंसर ए ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एक आपको कथन दिया गया है, शिक्षक के गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, गलत है। तो पहला भी नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ए सही बोला है। तो कुल मिला के सीधा सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर भी गलत है। अब आर भी यहाँ पे गलत होगा, देखो लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, कहता है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये बहुभाष्यता पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, बहुभाष्यता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए जो मूल्यांकन है अगर उसके उद्देश्य की बात करते हैं तो मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा चिंतन कर सके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव के विश्लेषण करें, ये वाला प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए, गलत बात है। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, ये बात आपकी कहीं कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठकर्ताओं को लागू करना चाहिए, नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में जो विद्यार्थी होता है, देखिए एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो निजी विद्यालयों में आरक्षण की सिफारिश की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणती गणना करने के क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो गणती गणना की बात कर रहा है, तो डिसकैलकुलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं, कहते हैं विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो बैठने के लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल आपका सर्कुलम हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो कहता है कि उन्हें बहुत ही सरल गलत मतलब आसान प्रश्न पूछें, बात ये सही नहीं होगी। उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च क्रम की बात कर दी गई है, यहाँ भी सही नहीं होगा। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे, ये भी सही नहीं होगा। उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। तो भाई यही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के हिसाब से सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं, विद्यार्थियों में अधिगम को शुद्ध करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना, मानचित्र, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन प्रक्रिया। तो यहाँ पे विस्तारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, एक नया शिक्षक पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। बिल्कुल जानना महत्वपूर्ण है, उनकी सामान्य भ्रांतियों को जानना महत्वपूर्ण है, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं जानना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली भी जानना महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण को, पूछताछ आधारित शिक्षा को, शिक्षण की व्याख्यानविद को, रटकर याद। तो यहाँ पे पूछताछ आधारित शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाता है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उसके स्वयं के चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच इस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो अधिसंज्ञानात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में सामूहित करके याद, अभी मैंने आपको बताया था इसको खंडीकरण चंकिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कथन आपको दिया गया है कि शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। इसका कथन ही सही नहीं है, तो पहला भी नहीं सही, दूसरा भी नहीं सही, तीसरा भी नहीं सही, तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का पूरा सही आंसर बनेगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब कथन ही सही नहीं है, जब कथन ही सही नहीं है तो आपके सारे ऑप्शन क्या होंगे, फिर गलत बन जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ए और आर दोनों गलत हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या कहा है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रतिक्रियाओं के संबंध में किस तरह देखते हैं? तो देखिए, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये बात सही नहीं है। संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रतिक्रियाएं दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, इस द्वारा देखते हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 शायद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। तो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य जो होता है उनकी वास्तविकता दुनिया से जुड़ा होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो 10 जनवरी 2020 के 22 के सॉरी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो 11 जनवरी 2022 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, 11 जनवरी 2022 का। कथन दिया गया है, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो कथन ही गलत हो गया। जैसे ही कथन गलत होता है हमें पता चल जाता है, पहला भी नहीं सही, दूसरा भी नहीं सही, तीसरा भी नहीं सही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब इसका तर्क भी गलत है। आप तर्क पढ़ सकते हो कि विकास का स्वरूप व गति सबसे सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखती है। तो आप समझ गए,
वो पहले छोटी मांसपेशियों का, बड़ी मांसपेशियों का उसका विकास हो रहा है, फिर छोटी मांसपेशियों का, तो वो समीर द्विभिमुखी हो जाएगा, ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के अंतर किया ये तो सही है, विकास का कुछ हद तक पूर्व में ये भी सही है, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, विकास समान से विषय, तो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है ये गलत है, क्योंकि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं, कथन यहाँ पे आपको दिया गया है, कहता है बच्चे अपनी संस्कृत में व्यवहार करने उपयुक्त तरीके दोस्तों मीडिया जैसे कई स्त्रोत सीखते हैं, तो कथन तो सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सही हो सकता है। आप कहते हैं समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक अनौपचारिक साधनों, तो ये भी सही है, इसका मतलब यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब, ये गलत बात है, वस्तुओं और विचारों को जटिल, ये भी गलत बात है, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ये बात सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे फिर से देखते हैं, थोड़ा मूर्त वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे शायद शिक्षिका को यहाँ पे कह रहा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है वस्तुओं और विचारों, क्या कह रहा है, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, एक ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त की सोच पर आधारित हो, ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक, देखो यहाँ पे शायद मैंने इसको ऑनलाइन क्वेश्चन में गलती मुझसे हो गई है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करा दिया है, कहीं ना कहीं मैंने ऑप्शन नंबर सी इसका करा दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने मेरे ऑनलाइन टेस्ट में इसको बी सही किया है तो उसको यहाँ पे सी सही किया तो इसको बी कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के आंसर सीट में इसका बी ही आंसर दिया गया है कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित तो ये बोल दिया है, तो ये कहीं ना कहीं अमूर्त में चला जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बनेगा। बाय मिस्टेक अगर ऑनलाइन में इसका आंसर सी हो गया है तो इसको हम बी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है, अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल, सब ये आप सभी को पता है, जैसे ही प्रतीकात्मक की बात होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, आनो तीन अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए ZPD दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो देखिए जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो आपका ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की निष्क्रिय प्रक्रिया तो नहीं है, दोहराव की प्रक्रिया भी नहीं है, उद्दीपन वाला भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करेंगे, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, लॉरेंस कोहलबर्ग के आप सभी को पता है ये अच्छा लड़का लड़की वाले में जाएगा तो वो आपका पारंपरिक में चला जाएगा, सेकंड चरण में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, सिंपल सी बात है, तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो लचीला बहु स्त्री गति आधारित अधिगम पर बल देती है, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रदर्शित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल की बात कर रही है, तो दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझ लेने की क्षमता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है, तो भाषा की जो भूमिका है वो अहम है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए, कक्षा में की गई अंतःक्रिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए, परियोजना का इस्तेमाल करना चाहिए, पोर्टफोलियो का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कहीं ना कहीं बात करते हैं तो आकलन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आत्म आकलन का, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन नंबर, जिसमें सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किस मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसा सहायता दी जाए इसकी जानकारी देता है, तो राइट आंसर इसका बी ही हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है। यहाँ पे प्रथम नहीं होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे होगा हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है, तो सही है, सही लिखा हुआ है। कहता है कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के परस्पर सम्मान पर आधारित है, ठीक है, तो यहाँ पे समावेशन में बाधक की बात करा तो ए वाला तो बाधक नहीं है। कहता है सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया, ये बिल्कुल बाधक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधक उत्पन्न करते हैं, तो शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिकाग। तो ये जो सामाजिक कलंक या सामाजिक वर्तिकाग्र होता है, ये हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधक उत्पन्न करते हैं, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, तो ये आपकी डिसग्राफिया हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है, जो श्रवण विद्यार्थी होते हैं केवल सुन सकते हैं, तो विद्यार्थियों को अगर मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देना ये श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसका राइट आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है, तो यहाँ पे सोच में सटीकता की आवश्यकता, ये प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बाधा कौशल अपने विद्यार्थियों में क्या करती है, एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों में अगर हम बात करते हैं तो बाधा कौशल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बोध कौशल होगा, बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो उसको संदर्भहीनता से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के मतलब कॉन्सेप्ट के अधिगम के को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, बचना तो नहीं चाहिए, बनाना चाहिए, नियमों को समझने और धारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, तो यहाँ पे देखो परिभाषित करने पर ध्यान देने की बात कर रहा है, तो ये सही है इसका आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित करते हैं, जब आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित करना सही नहीं है, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल के रूप में प्रस्तुत किया ये भी सही नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो जिज्ञासा जो होगा वो जिम्मेदार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसे उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी किसी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं, ऐसे उदाहरण को क्या बोलेंगे, एक प्रोटोटाइप बोलेंगे, एक आदि रूप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसकी ओर विकास को सुगम कर रहा है, तो घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना, तो ये अधिसंज्ञान को क्या कर रहा है, सुगम बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस के महत्व पर बल देती है, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेदन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद रखना, उत्तेजना और प्रक्रिया संघ, तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर क्या कर देती है, वो बल देती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, गलत बात है, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं, नहीं, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि डी में विभाजित करने की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन आपको दिया गया है, कथन में कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए, मतलब ये तो सही है। फिर कहता है भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया को महत्वहीन होती हैं, तो तर्क जो गलत है, मतलब पहला नहीं सही हो सकता है, दूसरा सही नहीं हो सकता, सी इसका सही है कि ए सही है और आर गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अधिगम और सहायता लाचारी तब महसूस होती, देखिए अधिगम और यहाँ पे सहायता ना होकर के असहायता करिए, पहले तो अधिगम और असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी।
11 जनवरी का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल क्या है कि एक गतिविधि में रुचि के कारण जब कोई अध्ययन करेगा तो वो एक आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल बनेगा। अब हम लास्ट के 30 क्वेश्चन करेंगे 12 जनवरी 2022 के। चलिए 12 जनवरी 2022 के क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन दिया गया है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा 24 महीनों में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। उसने कह दिया कि देखो विकास की दर भिन्न भिन्न होती है तो ये हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसने कह दिया जिसका लेट हो रहा है उसका मतलब पूरी तरीके से निलंबित है, मान्य नहीं है, मतलब पूरी तरीके से लेट है, तो ये कहना गलत है, मतलब ए गलत है। जब ए गलत होता है तो हमको समझ में आ जा सकता है सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है जाके, क्योंकि आर भी यहाँ पे क्या होगा फिर ए सही है क्योंकि इस तीनों में ए सही बोला गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर भी गलत होगा। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी करते हैं, ये बात सही नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य बाल्यावस्था का काल जो होता है वो 6 से 11 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो 5 साल की बच्ची जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण के लिए परिवार को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, कहते हैं पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिससे एक बच्चा के अनुभव का बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित और संशोधन, जैसे ही रूपांतरित और संशोधन की बात करता है तो आज सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो समायोजन की बात करी जा रही है, एकोमोडेशन की बात करी जा रही है, तो राइट आंसर इसका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, अफ्सा आलू के चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली बी जीन पियाजे के अनुसार, देखो प्रतीकात्मक विचार की बात कर रहा है, जैसे ही प्रतीकात्मक खेल विचार की बात आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, लियो वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो संस्कृत को मानते हैं, भाषा को मानते हैं, ये स्कीमा है, इसको नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, तो ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक शास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। तो ये सहकर्मी बातचीत और पाठ पर बल देता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की जो बात करते हैं, शिक्षक जो होता है वो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृत का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो यहाँ पे आदर्श पारस्परिकता की समझ तो यहाँ पे आपके सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के चरण की रेखांकित नहीं करता है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, ये बात कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, इन उपकरणों के अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज की चीज़ों को बदल सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर समस्या समाधान कर सकते हैं, तो ये आपका तर्कशास्त्री गणती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखना चाहिए। देखो कहता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं क्या है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा, यहाँ पे डैश होना चाहिए, शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, तो एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, एक शिक्षक हमेशा लड़के को फर्नीचर हिलाने के लिए कहता है, लड़कियों से साफ सुथरा करने के लिए, आप सभी को पता है इसको जेंडर रूढ़वादिता बोलेंगे, स्टीरियोटाइप, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण है, ये क्या करती है, प्रस्तावित करती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है, ध्यान में किस प्रकार रख सकती है जब वह ये स्वीकार कर ले कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा में अगर हम बात करते हैं तो सीखने के अनुकूल माहौल की आवश्यकता है, ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, कहते हैं वह विद्यार्थी जिसमें ध्यान न्यूनतम क्रियाशीलता विकार है उसकी पहचान
किस क्षेत्र में उसके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो किसी की दिए गए कार्य को लंबी समय तक अगर जारी रखने की बात करेंगे तो उसमें उसको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, तो इसी से उसकी पहचान की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वह विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के निम्न में से किसकी आवश्यकता है। बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों में छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कहते हैं कि उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के विद्यार्थी किसके समावेशन में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इन सारे के सारे विद्यार्थियों में हेल्प मिलेगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सहयोग में है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली है तो उसको आसान और बहुत सी सरल सामग्री देना, तो ये तो संयोजन सही नहीं बना है यहाँ पे। सोलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना ये भी सही नहीं है। पठन वैकल्प उच्चतम चित्रों के साथ दत्तकार दे देना ये भी उसके लिए उचित नहीं है। जिसको वाक हानि है वो धैर्य दिखाना चाहिए और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय बच्चे को देना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अधिगम का प्रभावी होता है जब, यहाँ पे अधिगम कब प्रभावी होता है, अधिगम तब प्रभावित होता है जब, ये लिखा हुआ है, तो अधिगम तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थियों के लिए अधिगम पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाए ये नहीं, बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देश होता ये भी नहीं, या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता ये भी नहीं। विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने का अवसर दिए जाते हैं तब अधिगम प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। तो शिक्षण अधिगम का अगर हम रचनावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखा जाना या देखता है। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी और बदलाव का प्रस्ताव देता है। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है इसके ओर बदलाव का प्रस्ताव देता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है, तो ये उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें ये महत्वपूर्ण नहीं है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित ये भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करते हैं। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में जुड़ाव की भावना पैदा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने रहा। कथन आपको दिया गया, तर्क आपको दिए गए। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है, जो वे पहले से जानते हैं, के बीच संबंध स्थापित सुसाद करें, सही बात है। पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं मिलना, गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी की ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। फिर से इसको देखते हैं। कहता है शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। तो ये तो यहाँ पे सही लग रहा है लेकिन आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत के प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है। दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा नहीं है, बाह्य प्रेरणा है। नगद पुरस्कार भी बाह्य प्रेरणा है। जिज्ञासा एक बाह्य प्रेरणा अगर हम बात करते नहीं है तो ये एक आंतरिक प्रेरणा है। रुचि जो है भी आंतरिक प्रेरणा है। तो यहाँ पे गलत वाले तो ये हो गए, सही वाला कौन, ये हुआ, मतलब रुचि जो है वो एक आंतरिक प्रेरणा है, बिल्कुल बात सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आपका ये रहा। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए। तो प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष होना चाहिए। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक जो शिफ्ट आपकी हुई है इसके 300 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फटाफट आपका रिवीजन हो गया है। तो इसी तरीके से सीटेट 2022 के लिए बीच बीच में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। साथ में हमारे चैनल पर लगातार आपके लाइव टेस्ट कराए जाते हैं तो उनको आप जरूर ज्वाइन करिए और सीटेट 2022 की इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको लिंक दिए गए हैं ईवीएस की क्लासेस के, जिसमें कम्प्लीट हम लोग ईवीएस कवर कर चुके हैं।
तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।